हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्या, बीएचयू से मैंने यूजी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट की और लगातार आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि सीयूईटी की तैयारी की फॉर्म कब से आएगी, कब से तैयारी शुरू करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे जरूरी सूचना ये ध्यान रखिएगा, आप अपने राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप सोचोगे जहां भी बैठे हो, सोए हो, घूम रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो दोस्तों मित्रों के साथ या हैंग आउट कर रहे हो, तमाम सारी चीजें कर रहे हो और उससे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला लोगे, पैसे अमीर बन जाओगे, ये सब नहीं करोगे। नेम और फेम ऐसे नहीं मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा, पॉपुलर जो भी लोग हैं या पावरफुल जो भी लोग हैं वो पावरफुल प्लेसेस से आते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम केस में लागू होता है, ठीक है। आप अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो, वो एक शू मेकर के बेटे थे, लेकिन वो अब्राहम लिंकन और उस समय की स्थितियां थी। आपको एक बेहतर जगह पढ़ोगे तभी जाकर के बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो सीयूईटी की आपको तैयारी सारी इस चैनल पे मिल जाएगी, सीयूईटी पॉइंट, और इनके डिफरेंट चैनल्स के ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। सीयूईटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो फरवरी 2025 तक आ जाएगा। याद रखिएगा, ये यूजी वालों बच्चों के लिए है। किसके लिए? यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फॉर्म आपका फरवरी में आता है, जो कि हर साल अब कंटिन्यूअस हो गया है, सीयूईटी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबके लिए एलिजिबल है, तो आपको लास्ट डेट जो है सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म का वो है मार्च 2025 तक। आप भरोगे, आपका जो एप्लीकेशन करेक्शन विंडो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। ये सब पूरा प्रोसेस है, फॉर्म भरना लगभग एक महीने तक, उसके बाद करेक्शन डेट, करेक्शन के बाद आपको याद रखना है करेक्शन विंडो अप्रैल 2025, पब्लिकेशन ऑफ सीयूईटी 2025 सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप अप्रैल 2025 तक आपका एडमिट कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर एडमिट कार्ड आपका मई में जारी कर दिया जाएगा। और अब याद रखना है आपका एग्जाम यूजी का जो होता है वो किस तरह होता है, सीबीटी मोड में भी होता है और प्लस ऑफलाइन मोड में भी हो रहा है, यानी पेन एंड पेपर मोड में भी हो रहा है। तो दोनों की तैयारी हमारे यहाँ तो अवेलेबल है ही, आप हमारी सामने क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आप एग्जाम दोगे ये अब बहुत कम टाइम है, यानी 10-12 दिन में आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। पब्लिक जो उसका पब्लिकेशन है, आंसर की का प्रोविजनल आंसर की, ये मई 2025 तक आ जाएगा और जून, जुलाई, अगस्त तक आपका पूरा प्रोसेस फाइनल आंसर की आएगा। रिजल्ट कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सब ले देके अगस्त तक कर लेना है हर हाल में। तो अगर ये आप टाइमलाइन नहीं फॉलो करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इस बार भी जिन बच्चों का रिजल्ट मैंने देखो, आप जाओ पोस्ट सेक्शन पे देखोगे रिजल्ट जिन भी बच्चों का, आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। या तो जो ड्रॉपर थे जो साल भर 6 महीने 8 महीने पढ़ाई जिन्होंने की है, या वो बच्चे जो शिद्दत से बोर्ड एग्जाम के साथ लगे हुए थे। तो इसलिए आपको कह रहा हूं, मेरे जैसा अगर आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू इन सब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हो, इनमें पढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले टाइमलाइन फॉलो करना है। एक चीज याद रखना, कभी भी आपको किसी भी डेस्टिनेशन से पहुंचना है, मान लो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी घूमने फिरने जाना है, आप सही टाइम पर ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी। इसलिए ये ट्रेन, ये तैयारी का ट्रेन है और इसको आप पकड़ लो अभी टाइम से, अदरवाइज बाद में बहुत लेट हो जाता है, बहुत मुश्किल होगा। डोमेन की हमारी क्लासेज आएंगी, बीएससी की क्लासेज आएंगी, ये सारी क्लासेज अवेलेबल है, आप हमें जरूर ज्वाइन करिए और देखिए। आपको ये टाइमलाइन का पूरा फोकस रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कब से तैयारी शुरू करें, तो भैया अभी से, नाउ इट इज द बेस्ट टाइम। आपको हमेशा याद रखना है ये हमारा सबसे बेहतरीन समय है और आपको ये टाइमलाइन याद रखना है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।